वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगी हेयर थिनिंग पे, हेयर वाइटनिंग पे, बालों में खुश्की होना, बालों में बैक्टीरियल जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उनके बारे में, और यू कैन से आई विल टॉक अबाउट कवर ऑल हेयर प्रॉब्लम्स, जिसमें गिर भी रहे हैं बाल, सफ़ेद भी हो रहे हैं, बालों में जो है वो स्प्लिट एंड्स भी पड़ रहे हैं, बालों के जो है ना जिल्द में या तो बहुत ज़्यादा मीन्स खुश्की है या बहुत ज़्यादा ऑयल सीबम निकल रहा है, इन सब के बारे में बात करूंगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, और आज आप लोग एंड तक वीडियो देखेंगे ताकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज से 4-5 साल पहले की बात है कि मेरे सर में हल्के हल्के से खुश्की के ऐसे नजर आने लगे, बहुत मोटे मोटे से फोड़े से, और इस तरह आई वॉज लाइक ये शायद खुश्की है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फील होता था वो इचिंग भी होती थी और मेरे बालों में वो बढ़ना शुरू हो गए, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैड वेरी यू कैन से कि थिक हेयर, बहुत थिक हेयर, एंड वो थिनिंग में आना शुरू हो गए। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया कि ये तो मेरे बालों को बहुत खराब कर रहा है, ये मेरा मसला है। लेकिन मेन लोगों के मसले ये होते हैं कि बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा सिरोसिस का प्रॉब्लम है, आप लोगों का हो सकता है पोल्यूशन हो, जो कि मेन फैक्टर है हमारी स्किन को, हमारे बालों को खराब और तबाह करने के लिए। दूसरा जेनेटिक हो सकता है, आपको फैमिली में इस तरह की कोई चीज़ मिली हुई है जो कि आपके अंदर है। जैसे आई एम डायबिटिक, माई फादर वॉज डायबिटिक, तो यह है कि आपको जेनेटिकली वो चीज़ मिल जाती है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो बंदे लेते हैं ना, उनके उनका सिर्फ मैं को बाल नहीं, उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी मिसाल मैं आपको एक दरवाजे से देखती हूँ। एक दरवाजा है, वो बहुत प्यारा है, ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से उनको उसको जो है ना वो गुन खा रही है, गुन मतलब दीमक उसे खा रही है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो दरवाजा जो है वो अंदर से दीमक लगी हुई है, और आहिस्ता 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 वो दरवाजा बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसी तरह बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि शी वॉज सो प्रिटी लास्ट ईयर, बट व्हाट्स रॉन्ग विद हर दिस ईयर, क्योंकि उसने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया होता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी पे, उसके बालों पे, उसके चेहरे पे, हर जगह नजर आता है। सो स्ट्रेस इज अ मेन फैक्टर इन हेयर लॉस एंड हेयर प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से, वो होती है हमारी ईटिंग हैबिट्स। हम बहुत फजूल किस्म की चीज़ें खाते हैं, हम खाना सही बनाते हैं, बच्चे वो नहीं खाते, फिर उनको हम पिज्ज़ा मंगवा के देते हैं, फिर उनको कुछ और बर्गर मंगवा के दे रहे होते हैं, पराठे रोल खा रहे होते हैं, बाहर के खाने खा रहे होते हैं। उससे होता क्या है, वो सब जब हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हमें सही से नहीं मिल रहे, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे, हम प्योर चीज़ें नहीं खा रहे, हम दूध नहीं खा पी रहे, हम इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बालों में ये सारी चीज़ें अफेक्ट करना शुरू कर जाती हैं। सीरियसली आप नोट करें, आप इनमें से सारी हैबिट्स में से सारी चीज़ों में से गुजर रहे हैं, पोल्यूशन भी, स्ट्रेस भी, जेनेटिक भी हो सकता है, एंड ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना हमारे फूड के, वो भी, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं टू योर हेयर। अच्छा जी, फिर हुआ कि 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले की बात है कि मैंने अपने बालों के लिए थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि व्हाट शुड आई डू फॉर माय हेयर, क्योंकि मेरे बाल बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गए थे, मेरी स्कैल्प हल्की हल्की सी नजर आना शुरू हो गई थी। स्कैल्प होती है सर की जल्द। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया, तो देन आई केम टू नो अबाउट भृंगराज पाउडर या भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल पहले तो मुझे वो कहीं मिला नहीं, मैं बहुत पंसार के पास गई, मुझे वो कहीं नहीं मिला, तो फिर मुझे आखिरकार मैंने दराज पे उसको ढूंढ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, दराज पे वो मिलता है एक पैकेट फॉर्म में, मैं अगर पिक्चर थी तो मैं इधर लगा दूंगी आप, या और जब मैं रेसिपी शेयर करूंगी तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगी कि वो किस तरह से होता है और क्या पाउडर है और किस तरह से आपको मिलेगा, क्या प्राइस है। भृंगराज जो है वो या तो आपको फ्रेश मिलता है या हर जगह उगता है, ये कोई जंगली टाइप की जड़ी बूटी है जो कि आप पूरी दुनिया में हर मुल्क पे उगती है। अगर आप अपने लॉन में जाएंगे तो ग्रीन पौधों के बीच में एक सब्ज रंग के सफेद सफेद छोटे छोटे फ्लावर्स वाले एक पौधा है जिसको कहते हैं भृंगराज, और अगर आपको उस पर यकीन नहीं तो आप पंसार से देख लें, अगर आपको मिल जाता है फ्रेश मिल जाए सो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भृंगराज के फायदे क्या क्या है। भृंगराज जो है ना आपके ये बालों में जो स्ट्रेंथ है ना ये पैदा करता है, आपके बालों की जल्द जो है ना उसमें बहुत तेजी से पेनेट्रेट करके आपकी जो स्कैल्प में जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाना शुरू कर देता है। ये इतनी बेस्ट चीज है, ये आपके बालों के स्प्लिटेंट्स को खत्म करना शुरू कर देती है, आपके बालों की थिनिंग को खत्म करना शुरू कर देती है, आपके बालों में जो व्हाइट कलर के बाल होते हैं उसमें, बिकॉज इसकी जो
मीन्स इसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स है उसमें ये होता है कि ये डार्कर शेड करना शुरू कर देती है. तो जब आपके ग्रे, बिल्कुल सफेद सफेद ग्रे हेयर है, उसको ये डार्कर की तरफ ले जाना शुरू करती है. आहिस्ता आहिस्ता दे गेट मोर डार्कर. और ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ बालों की, ये सिर्फ बच्चों की, बड़ों की नहीं है, कि सिर्फ मर्द हजरात की, औरतों की है, मर्दों की है एंड बच्चों की है. आजकल आप, मैंने इतने बच्चे देखे जिनके बालों में सफेद बाल बहुत ज्यादा होते हैं. सो ये सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए यू कैन यूज दिस ऑयल. एंड तक आपने वीडियो देखनी है और आपने ये ऑयल बना के यूज जरूर करना. मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि कैसे आप इसको यूज करते हैं. भृंगराज मैंने आपको बताया कि इसके फायदे क्या क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे. बिलीव मी, वो ये होता है कि इतने बहुत सारे इसके फायदे हैं कि मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ. सबसे पहले तो ये है कि ये इसमें हाई न्यूट्रंट्स है, ये आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है. ये जो आपके बालों को जो जो न्यूट्रंट्स की जरूरत होती है, वो आपके बालों को भृंगराज जो है ऑयल वो प्रोवाइड करता है. इसके बाद ये इसमें रिच है विटामिंस में एंड मिनरल्स में, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बालों को सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व कर देगा. दूसरा ये है कि ये स्प्लिटेंट्स को खत्म करता है और ब्रेकेज होती है बालों के, बालों में आपने देखा होगा कि यहां पर आधा बाल आधा इधर तक ठीक है, और पतला सा शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका बाल बीच में से ब्रेक हुआ होता है, बीच में दो दो टुकड़े हुए होते हैं, ऊपर से थिक आ रहे हैं, नीचे से थिन हो रहे हैं. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. और आई एम यूजिंग इट एंड आई एम फीलिंग इट कि मेरे बालों में बहुत फर्क आना शुरू हुआ है इसे यूज करने के बाद. आपको बालों को स्ट्रेंथन करता है. अच्छा, इसमें एक इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, मैं आपको क्या बताऊं, कि जब मैं ये अपने बालों में लगाती हूँ तो जो आपका स्ट्रेस होता है, मींस ये आपके सर को, आप जब लगा रहे होते हो, मसाज करते हो, आपके सर को, आपके जिस्म को रिलैक्स करना शुरू कर देता है और आपका जो स्ट्रेस है उस लेवल को ड्रॉप कर देता है. ये डेंड्रफ को ट्रीट करता है, ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करता है, सिरोसिस के मसले में. सीरियसली आई फील कि वो जो इचिंग थी, या जो कहते हैं ना कि स्कैल्प के ऊपर ऐसे स्के मीन्स जिल्द अलग अलग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको, लाइक इट्स बीन 3 मंथ्स नाउ आई एम यूजिंग इट. एंड ये वो सारी चीजें जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जो कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो दे इट इज वेरी गुड फॉर देम. अच्छा जी, उसके बाद ये है कि मैंने आपको बताया डैंड्रफ को भी करता है. ये ऑयल जो है ना, जब आप इसको अपने सर पे लगाते हैं तो ये डीप पेनेट्रेट करता है आपके सर में, और आपकी स्किन को ना, सर की स्किन को बहुत अच्छा कर देता है. जब आप इसको नहा के आप निकलते हो ना, इसको लगाने के बाद जब नहाते हो, तो आपको फील होता है कि आपकी सर की स्किन जो है ना, इट इज रिलैक्स्ड. दूसरा ये कि इसमें इचनेस नहीं है एंड डैंड्रफ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. चौथा ये कि या तो आप इसको लगा के, जब मोस्टली लोग आधा घंटा लगाते हैं, अगर आप इसको पूरी रात लगा के नेक्स्ट मॉर्निंग सर धोते हैं ना, तो आपके सर की बालों को ये नेचुरल जो कंडीशनर है ना, उस तरह आपको फील होता है. आपके बालों में चमक रहती है हमेशा के लिए. और आपने इसको हफ्ते में 3 दफा लगाना है, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 4 दफा लगा सकते हैं. 3 दफा लगाए, बेस्ट चीज है. आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बाल जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं कि ये और आपकी सर की जो बाल्डनेस है ना, जैसे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, जल्द नजर आती है, उस नए नए बाल उगाएगा. मेरे बिल्कुल यहां से नए नए छोटे छोटे बाल उगना शुरू हो गए सिर्फ इस ऑयल को लगाने के लिए, क्योंकि मैं ऑयल के मामले में थोड़ी सी चोर हूं. मैं बहुत ज्यादा ऑयल्स नहीं लगाती थी पहले, लेकिन अब आई एम यूजिंग दिस ऑयल, यू कैन से लाइक ऑन वेरी रेगुलर बेसिस. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑयल का मीन्स रेसिपी क्या है. सबसे पहले इस पाउडर को खरीदने के लिए, या तो अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता, आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने दराज.pk पे, मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आपने इसे मंगवा लेना है. ये 100 ग्राम का पाउडर है, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा. और अगर आपके पास बहुत ज्यादा यू कैन से के एक्स्ट्रा मनी है, तो आप 8 से 7 हजार रुपए तक का ये 100 ml ऑयल मिलता है ऑनलाइन ऑन डिफरेंट मीन साइट्स पे, जो कि मैंने नहीं मंगवाया. वॉज लाइक 100 ml ऑयल है और 7 हजार रुपए का, तो मैं नहीं मंगवाऊंगी. तो आप देख सकते हैं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी कि इसको इतना महंगा करके बेच रहे हैं. तो मैं आपको बहुत सस्ता सा नुस्खा बता रही हूं उसका. आपने पाउडर मंगवा लिया, एंड आपने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं आपको रेसिपी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूं. मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, क्योंकि हमें बेस चाहिए. ठीक है, बेस के लिए हमने ले लिया कोकोनट ऑयल. एंड कोकोनट ऑयल यू कैन से कि मैंने 3/4 कप कोकोनट ऑयल लिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया विथ
कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल जो है ना आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ब्रांड्स आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देख लें। अगर आपको कोई और ब्रांड मिलती है, देखिए आप वो भी ले सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। सबसे पहले आपने लिया कोकोनट ऑयल 3/4 कप, इसके बाद मैंने उसमें डाला तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैं लेकर आई भी होती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ होता है, छोटी बॉटल होती है। अगर आप पंसार के पास जाते हैं तो बड़ी बॉटल्स भी ला सकते हैं। खैर मैंने 3 टेबलस्पून वो डाल दिया और इसके बाद मैंने इस प्याले को कन्वर्ट कर दिया इंटू सॉस पैन। सॉस पैन में डाल लेने के बाद, क्योंकि मुझे इस ऑयल के अंदर भृंगराज पाउडर को पकाना है, मीन्स कुक करना है, तो मैंने तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 2 बड़े चम्मच चावल वाले इसके अंदर डाले भृंगराज पाउडर के, और मैंने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया। और मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी। चूल्हे पे रख के मैं इसको बिल्कुल कुल मीन्स लो टू मीडियम हीट पे मैंने इसको पकाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑयल जब गर्म हो जाता है ना, मीन्स उबलने लगता है, तब इसमें डालते हैं। तो इतने तेज ऑयल में अगर आप डालेंगे तो इसकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाएंगी, वो जल जाएंगी, क्योंकि हम खाना तो नहीं बना रहे, हमने तो ऑयल जो पाउडर है उसमें से ऑयल को और उसके बेनिफिट्स को जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपने उसको पकाना नहीं है कि काढ़ते रहना, नहीं कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, ऑयल के साथ इसको डाल के मिक्स कर लेना है और इसको चूल्हे पे रख देना है मीडियम टू यू कैन से के लो हीट पे। आपने इसको पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट, और उस वक्त तक बना पकाना है जब इसके अंदर से हल्के हल्के से ऐसे हल्के हल्के से बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे, लाइक ऑयल इज कुकिंग। तो वो कुकिंग के ही प्रोसीजर में ये जो भृंगराज पाउडर है इसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें से निकल आएंगे, आपके ऑयल में मिल जाएंगे। ऑयल आप देखेंगे पहले जब आपने डाला था वो बिल्कुल प्यारा सुनहरा सा ऑफ वाइट का कलर का, या आप गोल्डन कह सकते हैं, लेकिन जब ये पाउडर मिलता है तो ये डार्क ऐसे ब्राउन, इट मीन्स नॉट ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो अब आपने चूल्हा बंद कर दिया, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स सारी चीजें उस ऑयल के अंदर आ गई। अब आपने इसको लेके छान, मीन्स ठंडा करने दें, उसको छोड़ दें कोई आधा पौना घंटा, ठंडा हो जाता है, उसको छान लें। छान लेने के बाद एक मैं आप देख सकते हैं मैंने कंटेनर लिया हुआ है, एंड विच कंटेनर इज ऑफ ग्लास। हाँ जी, तो ये कंटेनर है, आप देख सकते हैं कि ये जार है, इसके अंदर मैंने डाला है। अपने शीशे की किसी भी बॉटल में डाल के इसको रखना है, इसका खुला मुंह होना चाहिए, और आप इसका कलर देख सकते हैं, इट वॉज गोल्डन बट नाउ इट इज ग्रीन। और इसको आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो इस कंटेनर में आपने इसको छान के तो रख दिया। छानना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे तिनके से होते हैं। एक दो दफा मैंने इस तरह किया था कि मैंने उसको मीन्स बगैर छाने हुए यूज कर लिया था, तो वो तिनके थोड़े से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाते, निकलते नहीं है। इस तरह आप ये जब इस तरह से आप इसको छान लेंगे तो वो अगर आपने यूज करना है तो वो आप अपने स्कैल्प पे मसाज के लिए यूज कर लें। जिस वक्त आप नहाते हैं उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा मीन्स अपने स्किन पे अच्छा सा इस तरह मसाज कर लें। जब तेल आपने लगाया हुआ होता है और कुछ देर खुजली भी होती है और आप नहाने लगते हैं उससे पहले थोड़ा सा करके, तो पानी से आप वॉश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैंने उसका सारा एक्सट्रैक्ट जो है इसमें निकाल लिया है, विच इज गुड। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना मीन्स ग्रीनिश कलर का। और अब मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताऊंगी। ये ऑयल बिलीव मी मेरे 15 दिन नहीं चलता, क्योंकि मैं भी लगाती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है, मेरा बेटा भी लगाता है, मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं, लाइक हमारे घर में ये सब ये ऑयल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके वालों की प्रॉब्लम का एक ही हल है, एंड इट विल कॉस्ट यू 400-500 रुपए, सीरियसली। एंड वो जो 5,000 रुपए 100 ml इससे भी कम है, उसमें से ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। आप अपने घर में बनाएंगे, यूज करने का तरीका क्या है, आपने थोड़ा सा ऑयल निकाला एक प्याले में डाला और उसको आपने थोड़ा सा गर्म कर लिया, 30 सेकंड गर्म कर लें, 20 सेकंड गर्म कर लें। गर्म जो है ना वो जल्दी आपके स्कैल्प में पेनेट्रेट करेगा। उसके बाद आपने जब गर्म कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, ऑयल लिया ऐसे हाथों पे लिया और आपने अपने स्कैल्प पे, पूरे बालों पे लगाने की आपको नीड नहीं, क्योंकि बालों पे अगर हाथों पे लगा हुए तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे बालों पे इस तरह से चुपड़ करने की जरूरत नहीं। आपने अपने स्कैल्प के मसले सॉल्व करने, इससे आपने अपने बालों पे अच्छी तरह से सॉरी अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह लगा के आपने 15 से 20 मिनट मसाज करना, खुद कर लें, आप बच्चे को कर ले, बच्चे को कहें आपका कर ले। आपने अच्छी तरह मसाज दे देने के बाद अपने बालों को मीन्स बंद कर, मीन्स टाई कर दें ऊपर की तरफ, और उसके बाद उसको छोड़ दें, छोड़ें तकरीबन कोई आधा घंटा अगर आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं है तो आई विल रेकमेंड होल नाइट कर लें। एक तकिया रख लें अपना जिसमें आप
मीन्स जब तेल लगाती है तो आप उस वक्त उसमें सोया करें. सारी रात छोड़ लेने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको वॉश करेंगी, सीरियसली योर हेयर विल हैव नेचुरल, यू कैन से कि शाइन. कंडीशनर आपको ऐसे लगेगा जैसे अपने बालों को कंडीशनर किया हुआ है, और अच्छा डीप कंडीशनिंग की हुई है. और दूसरा ये कि आपके, मैंने, मुझे आफ्टर टू यूजेस अपने बालों में बहुत डिफरेंस फील हुआ था. अपने बाल मेरे, सीरियसली, आई नाउ देर आर सो मेनी न्यू हेयर विच आर ग्रोइंग, लाइक बालों का जो ग्रे कलर है उसको डार्कर शेड में लेकर आना शुरू कर देता है, थिनिंग कम करता है, स्कैल्प इचीनेस, सिरोसिस का मसला आहिस्ता आहिस्ता मेरा सॉल्व होता जा रहा है, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सिरोसिस एक दफा आता है तो जाता नहीं है. तो इन सारे मसलों का सीरियसली दिस इज, यू कैन से के सोल्यूशन फॉर ऑल योर स्कैल्प प्रॉब्लम्स. एंड आई होप आप लोगों को ये रेसिपी रेमेडी आप लोग करेंगे, एंड आप लोगों को ये बहुत सूट करेगी. आप लोग मुझे बताएंगे जरूर कि आप लोगों की इस रेमेडी ने आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि ये रेमेडी मुझे मिली है, एंड आई एम सो हैप्पी नाउ. अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं स्विच करती हूँ, मैं और ऑयल्स भी लगाती हूँ. मैं अब बहुत ज्यादा अपने बालों के लिए करती हूँ क्योंकि 4-5 साल मैंने बिल्कुल अपने बालों में ध्यान नहीं दिया. थिक हेयर से मैं थिन पे आ गई, बट नाउ इंशाल्लाह ताला वन डे, इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल कि किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि येस आई गॉट माई हेयर बैक द वे दे यूज टू बी. सो खैर, ये था मेरा आज की बहुत ही बेस्ट किस्म की रेसिपी. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड अपना बहुत ख्याल रखिए, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.